देश की राजधानी दिल्ली में गंगाराम अस्पताल ने कोरोना के टीके के कारण खून के थक्के व प्लेटलेट्स कम होने की बीमारी की जांच की सुविधा शुरू की है। इस अस्पताल में अब तक 13 सैंपल की जांच की जा चुकी है। इसमें 7 मरीजों में टीके के कारण थेम्ब्रोटिक थेम्ब्रोसाइटोपोनिक बीमारी होने की पुष्टि हुई है। 6 मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकी, लेकिन 1 मरीज की मौत हो गई। डॉक्टरों का दावा है कि देश में अभी सिर्फ गंगाराम अस्पताल में ही इसकी जांच कर पुष्टि करने की सुविधा है। अस्पताल के अनुसार देश में टीके के कारण थेम्ब्रोटिक थेम्ब्रोसाइटोपोनिक के पहले मामले की पुष्टि जून में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने ही की थी। तब मथुरा से 18 वर्षीय मरीज को स्थानांतरित करके दिल्ली की आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। गंगाराम अस्पताल के हेमटोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने युवक को टीके के कारण थेम्ब्रोटिक थेम्ब्रोसाइटोपोनिक होने की पुष्टि की थी, लेकिन मरीज को स्थानांतरित करने में देरी के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल के हेमटोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति कोतवाल ने कहा कि पुष्टि होने वाले में 1 मरीज दिल्ली व 5 मरीज केरल के हैं। केरल से 5 मरीजों के सैंपल कोरियर से दिल्ली लाए गए थे। उन्होंने कहा कि एडेनोवायरस से बिने टीके में कुछ लोगों में प्लेटलेट्स कम होने व खून के थक्के जमने के मामले यूरोप के देशों में आए हैं। यहाँ ऐसे मामले ज्यादा नहीं देखे गए हैं। करीब 1.25 लाख लोगों में से 1 व्यक्ति को 3 में से 30 दिन के भीतर ये समस्या होने की आशंका रहती है, लेकिन समय पर जांच और इलाज से जान बचाई जा सकती है। सिरदर्द व उल्टी होने पर स्क्रीनिंग के लिए पहले ही डाइमर व प्लेटलेट्स की जांच कराई जा सकती है। टीके से खून के थक्के जमने की बीमारी की पुष्टि के लिए किसी व्यक्ति के ब्लड सैंपल से प्लेटलेट्स अलग कर उसमें मरीज के सीरम का सैंपल डाला जाता है। इसके बाद कम डोज हेपरिन व डाई डोज हेपरिन मिलाकर जाँच की जाती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।